हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की, जिसका शॉर्ट नेम है VCB। इसको नॉर्मली इंटरव्यूज होते हैं तो उसके अंदर उसको VCB कहके ही बुलाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है अपने आपको कि इसका फुल फॉर्म है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पहले इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिकेटर्स में ब्रेकर यहाँ पे आप देख सकते हो, वन बाय वन स्प्रिंग चार्ज, इसके अंदर स्प्रिंग चार्ज है, डिस्चार्ज है, वो दिखाएगा। ब्रेकर को हम टेस्ट करते हैं तो ब्रेकर इन टेस्ट दिखाएगा, और ये हेल्दी फेस का इंडिकेट कर रहा है R/D, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ब्रेकर ऑन का इंडिकेशन, अभी ये ब्रेकर ऑन चालू है, और यहाँ पे ब्रेकर ऑफ का इंडिकेशन, जब ब्रेकर ऑफ रहेगा तब ये ग्रीन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकर अभी रनिंग कंडीशन में है, इसलिए वो इंडिकेटर चालू है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से हम लोग इसको ब्रीक और क्लोज करवा सकते हैं। VCB को ऑपरेट करवाने के लिए हैंडल को हमको क्लोज पर लेके जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी एक इंडिकेटर पैनल और है यहाँ, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऊपर की तरफ आप देख सकते हो एक फूटर है, जिसमें हम लोग ट्रिप मारता है तो फूटर बजता है। और ट्रांसफार्मर पोल ट्रिल है, और ट्रांसफार्मर पोल ट्रिल दो लगी हुई है, एक एक्सटर्नल सेफ्टी के लिए रहती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो IDMT रिले लगा हुआ है, और यहाँ पे ट्रिपिंग रिले लगा हुआ है, और यहाँ पे फेज एंगल के लिए मीटर लगा हुआ है, जिसमें फेज एंगल एरर होने पे वो ऑपरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन ऑफ करवाने के लिए स्विच को TNC स्विच लिखा गया है, तो उसको हम लोग TNC स्विच बोलेंगे। तो अभी ये यहाँ पे हैंडल जो है न्यूट्रल कंडीशन में रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऊपर इनकमर है, और नीचे से ये LT आउटगोइंग अपना वहाँ पे जा रहा है LT पैनल में। धन्यवाद ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।